हेल्थ लाइफ के इस वीडियो में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है हाय बोलने का तरीका। वेल, ये एक्चुअली एक डिजीज है। बात करते हैं इस डिजीज के बारे में। डुपेट्रॉन डिजीज एक हैंड डिसऑर्डर है जो बहुत ही कॉमन है अमंग नॉर्दर्न यूरोपियंस। ऑर्थो इन्फो के अकॉर्डिंग ये कंडीशन इफेक्ट करती है पाम ऑफ फेजिया, यानी कि टिश्यूज का फाइब्रस लेयर जो बेस्ड रहता है अंडरनीथ द स्किन, अबव द टेंडन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स और बोन्स इन द पाम्स एंड फिंगर्स। पेशेंट्स का इस केस में फैशिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ओवर टाइम। इनफैक्ट इस डिजीज का जेनेटिक लिंक है नियांडरथल्स के साथ। ये मेरा नहीं लेकिन ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन का कहना है। आपको बता दें कि नियांडरथल्स ह्यूमन के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है जो आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट है। अब बात करते हैं कि ये डिजीज होती क्या है। ये डिजीज एक ऐसी डिसऑर्डर है जो आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है। जो भी सफर करते हैं इस कंडीशन से उनके फिंगर्स परमानेंटली फिक्स्ड रहते हैं इन अ फ्लेक्स्ड पोजिशन। ये कंडीशन किसी भी फिंगर को इफेक्ट करता है। जो इस कंडीशन से सफर करते हैं जनरली उनका रिंग या मिडिल फिंगर सबसे ज्यादा पेन में रहता है। साइंटिस्ट ने ये फैक्टर्स प्रीवियसली आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि एज, अल्कोहल कंजम्पशन, डायबिटीज और जेनेटिक्स। और डेनिश स्टडी के अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट किया गया कि 80% चांसेस रहते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग जेनेटिक इन्फ्लुएंस। ये डिजीज नॉर्दर्न यूरोपियन एंसेस्ट्री में सबसे कॉमन है। नॉर्वेजियंस में ये 60+ के एज ग्रुप में ज्यादा पाई गई है। इनफैक्ट ये डिजीज अफ्रीका में भी देखने को मिली है, क्योंकि अ पार्ट ऑफ नियांडरथल जीन्स साउथ ऑफ सहारा से आती है और एशिया में भी अंटिल 42,000 इयर्स अगो। तो क्या कहना है आपका इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।